बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दी एजुकेटर्स टैक्सला कैंपस। बच्चों, अब से हम उर्दू के रिसोर्स पैक पर काम लिखेंगे। आज का पढ़ाई का मवाद है फलों की वादी। बच्चों, ज़ियारत सूबह बलूचिस्तान की एक बहुत खूबसूरत वादी है। ये वादी क्वेटा में है। ये वादी चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है। ज़ियारत को फलों की वादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सेब, खुबानी, अंगूर, अनार और चेरी के दरख्तों की कसरत है। आइए बच्चों, अब हम सबक के सवाल जवाब पढ़ते हैं जो कि आपने रिसोर्स पैक पर लिखने हैं। पहला सवाल है, बलोचिस्तान की सरजमीन कैसी है? जवाब है, सूबह बलोचिस्तान की सरजमीन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पहाड़, दरिया, सरसब्ज मैदान, रेतीले इलाके, समंदर, नदियाँ और ठंडे पानी के चश्मे हैं। सवाल नंबर दो है, वादी की ज़ियारत कहाँ वाक़िया है? ज़ियारत की वादी बलूचिस्तान की एक बहुत खूबसूरत वादी है। ये वादी क्वेटा से 120 किलोमीटर के फासले पर मशरिक की जानिब है। सवाल नंबर तीन है, ज़ियारत रेजिडेंसी कहाँ वाक़िया है? ज़ियारत रेजिडेंसी ज़ियारत में वाक़िया है। सवाल नंबर चार है, कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम कहाँ गुजारे? जवाब है, कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम ज़ियारत रेजिडेंसी में गुजारे। बच्चों, ये सवाल जवाब आपने उर्दू के रिसोर्स पैक पर साफ़ सुथरी लिखाई में लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।